हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 9। डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 का। इसमें क्या दिया हुआ हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ट्राइंगल एबीसी इज ए ट्राइंगल इन व्हिच ऑल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, सी फिगर 7.32। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, और एल्टीट्यूड्स जो है बी और सी एफ साइड ए सी और ए बी का इक्वल है। सो दैट आपको देखना है ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्गुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्गुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गुएंट है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करते, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे प्रूफ करते हैं कि किस तरह से ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है वो सबसे पहले हम देखेंगे और किस तरह से हम इसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है, ये देखिए एक इसमें है, हम सॉल्यूशन लिखते हैं और क्या दिया हुआ है, किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे वो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, ये हम देख सकते हैं ए बी ई और ए सी एफ। ये ट्राइंगल को अगर हम कॉन्गुएंट प्रूव कर सकते हैं तो ए बी को ए सी ए बी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ ए सी एफ। इसमें देखिए सबसे पहले जो पॉइंट दिया है कि हमारे जो ऑल्टीट्यूड्स जो है वो इक्वल है, यानी कि हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू सी एफ, ये हमारे गिवन है, ठीक है। तो क्या दिया है कि बी इज इक्वल टू सी एफ, ये हमारा गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। और क्या दिया हुआ है, और एक चीज़ देख सकते हैं हम बहुत अच्छे तरह से, इन ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ, ये जो एंगल है एंगल ए, ये दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, राइट। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं कॉमन एंगल, कॉमन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है कि दिस बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ए एफ सी, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसलिए इक्वल है क्योंकि ये दोनों 90 एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। हम देखिए ये जो साइड है, ठीक है, ये वाला बी इक्वल टू सी एफ, ये हमारा साइड हो गया, एंगल इज इक्वल टू एंगल ए, ये हमारा एंगल हो गया, और ये भी एक एंगल है, तो साइड एंगल एंगल साइड, ये रूल से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर यू कैन से दैट ट्रायंगल ए बी ई ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए बी ई ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, ट्राइंगल ए सी एफ। कौन रूल से करेंगे हम ये करेंगे, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, इसे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ हो गया। अभी सेकेंड वाला प्रूफ करने के लिए देखिए ए बी को ए सी, ए बी को ए सी प्रूफ करना है, तो हम देख सकते हैं ये जो ट्रैंगल ए बी ई और ए सी एफ, ये जो एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री का अपोजिट एंगल क्या है, अपोजिट साइड क्या, ए बी है, और ये ट्रैंगल का 90 डिग्री कौन वाला है, ये वाला, इसका अपोजिट साइड क्या है, ए सी है। तो देखिए जो एंगल है इसका अपोजिट साइड, ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड ए बी है, ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड है ए सी, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुआ, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो हम जानते हैं कि इफ सिंस, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में,
सिंस सिंस ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ ए सी एफ देयरफॉर यू कैन राइट दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी. रीजन क्या लिखेंगे? सी पी सी टी सी पी सी टी. ये सी पी सी टी क्या है? सी पी सी टी है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होगा. तो देखिए दिए नो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है. ए बी इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ए बी, क्योंकि ये 90 के अपोजिट में है, और ए सी जो है ये 90 के अपोजिट में है. तो हम बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी बिकॉज दे आर अपोजिट टू दिस 90 डिग्री एंड दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम बोल सकते हैं सी पी सी टी और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. इस तरह से हम प्रूफ कर किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.